बिलासपुर में 17 मार्च से लेकर 23 मार्च तक आयोजित किए जाने वाले राज्य सत्रीय नलवाड़ी मेले का शुभ आरंभ प्रदेश के उद्योग मंत्री हर्षवर्धन करेंगे तथा इसका समापन मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू द्वारा किया जाएगा। यह जानकारी बिलासपुर के उपायुक्त आबिद हुसैन सादिक ने पत्रकार वार्ता में दी। उन्होंने कहा कि इस बार इस राज्य सत्रीय मेले की सांस्कृतिक संध्या में हिमाचल से बाहर के किसी भी कलाकार को आमंत्रित नहीं किया जा रहा है, बल्कि बिलासपुर के स्थानीय और प्रदेश के कलाकारों को ही मौका दिया जा रहा है। उपायुक्त ने कहा कि बिलासपुर में 17 से 23 मार्च तक आयोजित होने वाले राज्य सत्रीय नलवाड़ी मेले की सांस्कृतिक संस्थाओं में बाहरी राज्यों के कलाकारों की अपेक्षा हिमाचली कलाकारों को तवज्जो दी जाएगी ताकि हिमाचली कलाकारों को अपनी कला को निखारने का मौका मिल सके। जिला प्रशासन की ओर से राज्य सत्रीय नलवाड़ी मेले के सफल आयोजन के लिए बेहतर प्रबंध किए जा रहे हैं जिसमें लोगों को बेहतर सुविधाएं मिल सके। यहां पर पत्रकारों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि इस वर्ष जिला प्रशासन को मेला प्लांट आवंटन से लगभग 95 लाख रुपए की आय हुई है जबकि गत वर्ष प्रशासन को 44 लाख रुपए की आय की प्राप्ति हुई थी जिसके लिए पारदर्शी प्रक्रिया अपनाई गई है। इसके लिए 6 लोगों ने बोली में भाग लिया था लेकिन प्लांट आवंटन ने स्थानीय व्यापारियों को प्राथमिकता दी जाएगी तथा मेले में आम जनता की सुविधा के लिए जर्मन हैंगर लगाया जाएगा। वहीं मेले में सफाई व्यवस्था को बनाए रखने के लिए हर व्यापारी को दुकान के बाहर डस्टबिन लगाना अनिवार्य किया गया है जिस पर सफाई कमेटी पूरी नजर रखेगी। राज्य सत्रीय नलवाड़ी मेले में एक ओर जहां मिस कहलूर प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा वहीं हॉकी कुश्तियां व कबड्डी प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया जाएगा। यहां पर पहली बार दंगल में हिमाचल केसरी के साथ साथ बिलासपुर केसरी कुश्ती करवाने का प्रयास किया जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य सत्रीय नलवाड़ी मेले की अंतिम सांस्कृतिक संध्या में 3 प्रमुख कलाकारों के अलावा छोटे बच्चों का योग प्रदर्शन व हिमाचल प्रदेश पुलिस का हारमोनिया पाइन बैंड अपनी प्रस्तुति देगा। इस अवसर पर सदर SDM अभिषेक गर्ग मौजूद रहेंगे। 17 मार्च से 23 मार्च तक हमारा नलवाड़ी मेला होगा जिसकी इनॉग्रेशन माननीय उद्योग मंत्री हर्षवर्धन जी करेंगे 4 बजे 17 तारीख को और जिसकी क्लोजिंग जो है माननीय मुख्यमंत्री जी करेंगे शाम 23 मार्च को। तो इसमें कुछ नई चीज़ें हमने करने की कोशिश करी है इस बार, जैसे कि हम जैसे कल्चरल नाइट्स हमारी होती है जो मेन अट्रैक्शन रहती है उसमें हम सिर्फ हिमाचलियों को ही प्रेफर करेंगे। इस बार हमने बाहर से जो सिंगर्स है उनको लिया नहीं है जस्ट फॉर द रीज़न कि हमें हिमाचली टैलेंट को प्रमोट करना है और बिलासपुर के लोगों को भी प्रमोट करना है। बिलासपुर के लिए हमने यूजुअली दिन में गाते थे वो, उसके उनके लिए भी स्पेशल प्रोविजन रखा है कि वो 6 से 8 का उनको टाइम पीरियड दिया हुआ है जो कि उनकी डिमांड थी। दूसरा जो है इस बार हमने जो है पिछली बार जो हमारा रेवेन्यू आया था इससे आवंटन से स्टॉल आवंटन झूला आवंटन और डोम के आवंटन से वो 44 लाख टैक्सेस लेकर आया था GST लेकर आया था और इस बार जो हमने टेंडर किया है उसमें हमें सबका मिला के 95 लाख इंक्लूडिंग GST आया हुआ है जो कि डबल से भी ज़्यादा है। इसलिए हमने कुछ क्योंकि रेवेन्यू भी अच्छा आया है कुछ मूलभूत सुविधाएं जो है हमने बढ़ाने की कोशिश करी है। इस बार हम लोगों के लिए क्योंकि बारिश की भी प्रेडिक्शन है उन दिनों में तो जर्मन हैंगर लगाएंगे जिसमें उनको अच्छा जो चाहे बारिश हो हवा हो धूप हो उनसे लोगों को प्रोटेक्शन मिलेगी। इसमें हम मिस कहलूर भी पहली बार इवेंट करवा रहे हैं जो भी एक मेन अट्रैक्शन रहेगी इसकी मेले की। प्लस कुछ योगा इवेंट्स हैं बच्चों का वो करवा रहे हैं। एक लाइव पेंटिंग हम करवाएंगे ऑनरेबल CM साहब की जिस दिन CM साहब आएंगे शाम को एक अच्छा आर्टिस्ट है जो लाइव 5 मिनट में एक बड़ी सी पेंटिंग लाइव वो बना लेता है। बाकी जो हमारे कुश्ती जो हमारी होती है वो भी मेन अट्रैक्शन होती है। इस बार कोशिश कर रहे हैं अगर हमारे बजट ने साथ दिया तो इस बार हम अलग से बिलासपुर के लिए भी एक बिलासपुर केसरी करने की कोशिश करेंगे। फिर आपके जो बाकी पशुओं के कंपटीशन होता है या हॉकी और कबड्डी का कंपटीशन होता है वो तो होगा ही जो हो रहा था। तो ये कुछ नई चीज़ें हैं जो इस बार हमने करने की कोशिश की है ताकि हमारा मेला जो है सक्सेसफुल हो। हाँ, 23 तारीख के लिए हमने जो है हारमोनी ऑफ पाइन्स जो पहली बार बिलासपुर में परफॉर्म करेंगे और CM साहब भी एज ऑनरेबल CM पहली बार ही एज CM जो है उनको लाइव देखेंगे तो इसलिए हमने ये सुनिश्चित करा है कि हारमोनी ऑफ पाइन्स को हम इस बार ले रहे हैं 23 मार्च को और अच्छे अच्छे सिंगर्स होंगे। अभी हम आज फाइनल कर रहे हैं कि किस दिन कौन कौन से सिंगर होंगे।
बट बी अश्योर्ड कि हम सबसे अच्छे बढ़िया सिंगर जो हिमाचल के होंगे वो होंगे और सबको मौका दे, क्योंकि ऐसा है कि हर साल ही जो सिंगर आ रहे हैं उसमें भी लोगों को दिक्कत होती है कि हर साल ही वो आ रहे हैं, तो हम कुछ नए लोगों को भी लाने की कोशिश कर रहे हैं जो कि अच्छे बडिंग सिंगर्स हैं बट अच्छा गाते हैं, काफ़ी पॉपुलर है हिमाचल में, तो उनको भी लाने की हम कोशिश कर रहे हैं। सर इस बार इवनिंग में तो ओपनिंग होगी, सर क्या कारण है? हाँ इस बार जो इवनिंग की है नॉर्मली 11 बजे होती है, बट इस बार क्योंकि बजट है उसी दिन बजट है और बजट में उपस्थित रहना सभी मंत्रियों और एमएलए को अनिवार्य होता है, तो इसलिए थोड़ा सा इसको हमने इवनिंग में 4 बजे के लिए रखा है, 11 बजे। बिलासपुर से सुभाष चंदेल की रिपोर्ट, AMI न्यूज हिमाचल। स्प्रेड ओवर 18 एकर्स ऑफ लैंड, अ चाइल्ड्स ड्रीम लैंड विद कलरफुल, अट्रैक्टिव एंड वेल कंसेप्टेड सराउंडिंग्स। Montessori Cambridge School Pathankot is a co-educational senior secondary school with day boarding and hostel facility. CBSE affiliated school has classes from pre-nursery to class 12 with all three streams. Montessori wing is designed with rich learning material and scope for creative activities. Content of curriculum is carefully examined and delivered. Less able pupils in particular are motivated. All-round personality of a child is developed through smart classes, well-equipped labs and library, extracurricular activities, competitions, stage, playfield and excursions. Activities at MCS are fun with purpose. Admission open from pre-nursery to class 11. A school that understands children. Montessori Cambridge School, Pathankot. We at St. Thomas Senior Secondary School offer supportive and inspirational environment for young inquiring minds to learn and grow with us. Our passion for learning means we achieve more than outstanding results. We strive to build confident and creative thinkers and aim at delivering an education that is truly relevant to their future. We aim at inspiring our students to dream more, learn more, do more, and become more in their respective journey of life.